हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। क्या सभी ने अपने अपने बुक्स और रजिस्टर्स रेडी कर लिए हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटे। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम आज भी अपनी ब्रांच अकाउंटिंग डेटर्स मेथड को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से रेडी हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रांच अकाउंटिंग डेटर्स सिस्टम। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना डिपेंडेंट ब्रांचेस, और डिपेंडेंट ब्रांचेस में भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट मेथड, डेट इज डेटर्स मेथड। अभी तक की डिस्कशन हमने की थी कॉस्ट वाइज। आज हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद इनवॉइस प्राइस। तो आज हम अपनी लर्निंग में कुछ एडिशन लाएंगे इनवॉइस प्राइस। हां जी, स्टार्ट करें। यस सर। बेटे सुनिए, कंसेप्ट क्या है। दिल्ली में हमारे पास हेड ऑफिस है और हमने एक ब्रांच खोल रखी है अपने हेड ऑफिस की अमृतसर पंजाब में। यहां पर हमने एक ब्रांच मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, मिस्टर ए। नाउ हेड ऑफिस के गुड्स हैं 1000 रुपीस के, और हेड ऑफिस इस गुड्स को ब्रांच को सेंड करता है और ब्रांच से कहता है कि आपने इसे सेल करना है एट रुपीस 1500। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज इनवॉइस प्राइस, और मैंने इसे समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है। हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में और हम दिल्ली से अमृतसर में गुड्स सेंड करते हैं। गुड्स की कॉस्ट रुपीज 1000 है और ब्रांच को इसे सेल करना है फॉर 1500 रुपीज। ठीक है बेटे। अब इससे होता क्या है कि ये जो ब्रांच का मैनेजर है मिस्टर ए, इसे पता चल जाता है कि हम एक ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बात समझ में आई? अगर मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्रांच मैनेजर को मेरा प्रॉफिट पता चले तो मुझे क्या करना होगा? अगर ब्रांच मैनेजर मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा तो इससे बिजनेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर वो सैलरी पर हुआ तो वो कंटिन्यूअसली सैलरी को बढ़ाने की डिमांड करता रहेगा। अगर वो कमीशन बेसिस पर हुआ तो वो बार बार अपनी कमीशन को इंक्रीज करने की बात करेगा, और उसके बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो हमारे बिजनेस के साथ कंपीट कर सकता है।
कोई भी बिजनेस केवल तभी तक सिक्योर्ड है जब तक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी किसी को पता नहीं चल रही। अगर आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी दूसरे पर्सन को पता चल जाए तो आपका बिजनेस सिक्योर्ड नहीं रहता। नाउ हम चाहते हैं कि हमारे ब्रांच मैनेजर को ये आइडेंटिफाई ना हो कि हम इसमें कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। मुझे बताइए इसमें प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट इज ₹500। अब ये प्रॉफिट जो कि मेरा ब्रांच मैनेजर भी कैलकुलेट कर सकता है, मैं इसे हाइड करना चाहता हूं। ठीक है, क्या किया जाएगा हाइड करने के लिए? अब सुनिए बेटे, प्रोडक्ट के ऊपर एक स्लिप लगी हुई है, इस पर लिखा है कॉस्ट 1000। हमने इसे रिप्लेस कर दिया विद 1500। मैंने ये जो प्राइस था इसे रिमूव कर दिया और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 1500। बताइए मैंने इसमें कितना इंक्रीमेंट कर दिया? तो मैंने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया 500। और फिर ये गुड्स मैंने अपनी ब्रांच के मैनेजर को सेंड कर दिए और मैंने ब्रांच मैनेजर से कहा कि मैंने आपको कुछ गुड्स सेंड किए हैं, उन गुड्स के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, आपको उसी प्राइस के ऊपर सेल करना है। ठीक, अब मैंने गुड्स जिस प्राइस पे सेंड किए हैं उसी प्राइस पे आपको सेल करना होगा और दिस प्राइस इंक्लूड्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, जब मैं प्राइस को पहले से ही इंक्रीज कर देता हूं तो ये प्राइस मेरे पास कहलाता है इनवॉइस प्राइस। नाउ दिस 1500 विल बी कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। ठीक है, आइए जो हमने अभी तक सीखा है पहले हम उसको दो लाइंस में नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट टू लाइंस में पहले हम नोट करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनवॉइस प्राइस, समटाइम्स हेड ऑफिस डज नॉट सेंड गुड्स टू इट्स ब्रांचेस एट कॉस्ट प्राइस। कई बार ये होगा कि हेड ऑफिस, कई बार क्या, मैं तो कहूंगा हमेशा ऐसा ही होता है कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को गुड्स कॉस्ट पर सेंड नहीं करती। इंस्टेड गुड्स आर सेंट एट इंक्रीज्ड प्राइसेस विच आर कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस। इंस्टेड गुड्स आर सेंट एट इंक्रीज प्राइस विच इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस। गुड्स को हम इंक्रीज प्राइस पे सेंड कर देते हैं, दैट इंक्रीज प्राइस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब बेटे हमने जो गुड्स 1000 रुपीज वाले थे वो हमने 1500 पे सेंड किए तो इसमें हमने 500 रुपीज का प्रॉफिट ऐड कर लिया। समझ में आया? इसीलिए इनवॉइस प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कौन सा होता है?
क्या मेरे गुड्स का प्राइस 1000 हटा के 1500 कर देने से मैंने 500 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर लिया? मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर हेड ऑफिस ने 1000 रुपीज का प्राइस टैग हटा दिया है और इंस्टेड ऑफ दैट 1500 का प्राइस टैग लगा दिया है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, क्या मैंने हेड ऑफिस ने 500 रुपीज अर्न कर लिए? आंसर इज नो। प्रॉफिट तब अर्न होता है जब हमारे गुड्स सोल्ड हो जाते हैं। जब तक हमारे गुड्स सोल्ड नहीं होते तब तक हमें प्रॉफिट भी नहीं होता। ये 500 रुपीज का प्रॉफिट मेरी बुक्स में जेनरेट हो गया है क्योंकि मैंने 1000 रुपीज का प्राइस बढ़ा के 1500 कर दिया है। ये 500 रुपीज का प्रॉफिट बुक्स में जेनरेट हो गया है, ये रियल प्रॉफिट नहीं है। इसे हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या हम इसे बोलते हैं अनअर्न्ड प्रॉफिट। ये जनरल मीनिंग है समझाने के लिए। टेक्निकली हम इसे बोलते हैं लोडिंग एक्स्ट्रा, इट इज कॉल्ड लोडिंग। यानी इनवॉइस प्राइस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम क्या बोला करेंगे, लोडिंग बोला करेंगे। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट ब्रांच से हाइड करना चाहता है, इसलिए उसने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज करके इनवॉइस प्राइस पे कर दिया। इससे एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा कि हमारे स्टॉक के ऊपर हमारा कंट्रोल बढ़ जाएगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इनवॉइस प्राइस क्या होता है, इनवॉइस प्राइस इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, आप इसे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। इसमें इंक्लूड होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये होता कैसे है, ठीक है, और मैं इसके लिए हेल्प लूंगा आप ही की बुक में। अपनी अपनी बुक्स को ओपन करेंगे और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट करेंगे। पहले हम सीखेंगे कि इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसमें जो प्रॉफिट का एलिमेंट होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास सामने रखी है जे आर मोंगा सर की बुक वॉल्यूम नंबर 1 न्यू सेमिस्टर मोड पेज नंबर 15.12, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक। नाउ क्वेश्चन सेज, दिस इलस्ट्रेशन सेज पॉइंट नंबर 1, आपको कैलकुलेट क्या करना है, मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा एंड यू नीड टू कैलकुलेट इनवॉइस प्राइस एंड प्रॉफिट। आपको कैलकुलेट करके बताना है इनवॉइस प्राइस एंड प्रॉफिट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, गुड्स, इनवॉइस प्राइस किसका, ऑफ गुड्स सेंट, और गुड्स कौन सेंट करता है, हेड ऑफिस। पॉइंट नंबर 1, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 एट कॉस्ट आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। जे आर मोंगा सर एकदम बेसिक और सिंपल एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है।
ये जो लोडिंग और इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट है बेटे, ये कंसेप्ट हमारे पास कंसाइनमेंट में भी लगता है और ब्रांच में भी लगता है, दोनों जगह लगेगा। ठीक है, टर्म सिर्फ इतनी सी चेंज हो जाएंगी कि यहां पर ब्रांच वर्ड यूज होगा और वहां पर कंसाइनमेंट यूज होगा। ठीक है, चलिए, मुझे ढूंढना है इनवॉइस प्राइस। कितना सिंपल एग्जांपल है, इनवॉइस प्राइस होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और क्वेश्चन में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000। आर सेंट, कॉस्ट प्राइस थी 20,000, हमने ब्रांच को सेंड किया एट कॉस्ट प्लस 20%, तो 20% मैंने उसमें प्रॉफिट ऐड किया। अब बताइए 20% ऑफ कॉस्ट 4,000, इनवॉइस प्राइस 24,000। बताएं बेटे, क्या पहला आंसर आपने निकाल लिया? ओहो, बच्चे कह रहे हैं सर ये 20,000 नहीं था, ये 2 लाख था। ओके बेटे, मैं 2 लाख कर देता हूं, 2 लाख, और प्रॉफिट हो जाएगा 40,000, और ये हो जाएगा 2,40,000। हाँ जी, मुझे बताएंगे क्या पॉइंट नंबर 1 आप सभी को क्लियर हो गया? ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, हमने बहुत सिंपली इसे कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, आप पेशियंस रखेंगे, जेआर मोंगा सर धीरे धीरे बातों को समझा रहे हैं। मैं न्यू पेज ले लेता हूं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2, गुड्स कॉस्टिंग रुपी 1,50,000, आर इनवॉइज्ड टू ब्रांच एट 30% अबव कॉस्ट। अब बेटे, लर्निंग के लिए थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ता है। मे बी आप लोगों ने इस कंसेप्ट को पढ़ा हुआ हो, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट मुझे इस तरीके से समझाना है कि ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। ठीक है, जिन्हें आता हो वो प्रोसीड कर सकते हैं, और यदि जिन्हें नहीं आता हो वो वेट कर सकते हैं। इट विल टेक जस्ट 10 to 15 मिनट्स टू कवर होल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस, और अगर यहां पर लर्निंग में लैकुना रह गया तो फिर ब्रांच और कंसाइनमेंट दोनों चैप्टर्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। नाउ, गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 आर इनवॉइस्ड, मुझे ढूंढना क्या है? नंबर 1, आई नीड टू फाइंड आउट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को हम बार बार लोडिंग के नाम से बुलाएंगे। अब गिवन क्या है? गिवन है कॉस्ट, और अगर मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर देता हूं देन आई विल गेट इनवॉइस प्राइस, और प्रॉफिट क्या है? 30% अबव कॉस्ट। इसका मतलब होता है कॉस्ट का 30%, 30% ऑफ कॉस्ट, दैट्स इट। अबव सिंपली मीन्स 30% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में 30% ऐड कर दीजिए। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि गिवन क्या है? कॉस्ट, और प्रॉफिट भी किस पर बेस्ड है? कॉस्ट। तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, 1,50,000 का 30%, दिस विल अमाउंट टू 45,000, दिस विल बिकम 1,95,000। ठीक है, इसी को कहने का एक और वे जे आर मुंगा सर लिख रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग
रुपी 2,50,000 आर सेंट टू ब्रांच एट 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट. इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट गिवन है 2,50,000 और हमने सेंड किया एट 120% ऑफ कॉस्ट. इसका मतलब हो गया 20% अबव कॉस्ट. और 20% अबव कॉस्ट का मतलब वही हो गया 20% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट है या 20% प्लस कॉस्ट. एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर थ्री तीनों सेम है. लैंग्वेज का डिफरेंस है और लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी. यहां पर 20% अबव कॉस्ट है तो 20% ऑफ कॉस्ट विल बी 50,000. पहले तीन एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इजी हैं, ठीक है? यहां तक हमें कोई भी इशू नहीं आता. और ये प्रैक्टिकली कहूं तो कम यूज होते हैं. क्वेश्चन कभी भी इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नहीं मिलता. अब सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे. पॉइंट नंबर फोर सेज गुड्स कॉस्टिंग रूपी 4,20,000 आर इनवॉइस्ड. गुड्स कॉस्टिंग 4,20,000 आर इनवॉइस्ड. एट 40% प्रॉफिट ऑन सेल. नाउ आई एम वेटिंग कि आप मुझे इसका आंसर करें कि इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस क्या होगा. सर इनवॉइस प्राइस, हां बेटे आप कैलकुलेट करते रहे, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं, मुझे टाइम पास करने की आदत है. मुझे आंसर निकाल कर बताएं कि वो कितना होगा. अब बेटे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आंसर सही निकालेंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आंसर गलत निकालेंगे. मैंने अपना कैलकुलेटर रेडी कर लिया है. क्या आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर रेडी कर लिया है? सर अब भी 40% ऐड कर दो. मैंने कहा ठीक है, अगर आपका आंसर यही है तो मैं इसी को ऐड कर देता हूं. 168 इनवॉइस प्राइस हो गया 5,88,000. अगर आपका आंसर ये है तो मैं आपको बता दूं बेटे दिस आंसर इज रॉन्ग, ये गलत हो गया. अब कुछ डिफरेंस आ गया, मुझे गिवन कौन सा प्राइस था. अब आइए, मुझे गिवन था कॉस्ट और प्रॉफिट था 40% ऑफ सेल प्राइस. सेल प्राइस मींस इनवॉइस प्राइस. 40% का मतलब होता है 40% means 40/100. लेकिन 40/100 करना किसका था?
क्या यहां पर कॉस्ट प्राइस मेंशन है? बताइए क्या यहां पर कॉस्ट प्राइस मेंशन है? आंसर इज नो, यहां पर तो सेलिंग प्राइस मेंशन है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है? इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस आप ढूंढ रहे हैं, यानी यहां पर जिस प्राइस के बारे में क्वेश्चन कह रहा है दैट प्राइस इज नॉट नोन, इसीलिए आप यहां पर प्राइस नहीं डाल सकते। अभी तक के तीनों पॉइंट्स के अंदर यहां पर कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ था, सेल प्राइस जगह कॉस्ट प्राइस, तो मैं सिंपली कर पा रहा था, अब नहीं कर सकता। सर ऐसे में क्या करना होगा? यस गुड क्वेश्चन, ऐसे में क्या करना होगा? इन दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस फर्स्ट चेंज योर प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑब्लिग इक्वेशन। ठीक है, बताइए बेटे गिवन क्या था? गिवन था कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। वो कैसे गिवन था? वो गिवन था परसेंटेज ऑन सेल। नाउ ये दोनों प्राइस अगर डिफर कर रहे हों, यानी अमाउंट गिवन किस पर है? कॉस्ट, और प्रॉफिट कैलकुलेट किस पर करना है? सेल। तो आपको प्रॉफिट इक्वेशन को सेल से कन्वर्ट कर देना होगा किस पर? कॉस्ट पर। जब ये परसेंटेज ऑन कॉस्ट बन जाएगी तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना? यानी कि मुझे आपको सिर्फ ये सिखाना है कि प्रॉफिट इक्वेशन अगर सेल पर गिवन हो देन हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस्ट। ठीक है, अगर यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई हो तो मैं आगे प्रोसीड करूं। सर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, वेरी वेरी गुड। अच्छा जी, मैं पेज चेंज कर लेता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इसे चेंज कैसे करना है। मुझे ये बताइए क्या हमने गुड मॉर्निंग बोल दिया? अब बच्चे कह रहे हैं सर ये कौन सी बात है। बेटे गुड मॉर्निंग का मतलब है कि मैं आपको जगाना चाहता हूं। हमारी क्रक्स, कैलकुलेशन की क्रक्स अब स्टार्ट होती है। यहां से आपको कंसंट्रेट करना है और भी ज्यादा, ठीक हो गया? अच्छा, 40% का मतलब होता है 40/100। मैंने इसे काट के छोटा कर दिया, ये बन गया 2/5, ठीक है? अब 40% आपको गिवन था किस पर? सेल प्राइस। अब सुनिएगा बेटे, अगर प्रॉफिट सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस पर गिवन हो, गिवन है, और आप उसे कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं ऑन कॉस्ट प्राइस, यू नीड टू कन्वर्ट। गिवन होगा सेल्स प्राइस पे, कन्वर्ट करना है किस पर? कॉस्ट प्राइस पे। तो आपको करना क्या होगा, आप डिनोमिनेटर में से न्यूमिरेटर को डिडक्ट कर देना। अब बच्चे कह रहे हैं ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा ठीक,
सपोज ये गिवन होता, अभी ये मैं 2.5 को छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे आंसर लेना है इसके बारे में। मैंने कहा अगर ये गिवन होता 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस और आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉस्ट पर, तो मैंने कहा ये न्यूमिरेटर है ये डिनोमिनेटर है, मैंने कहा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 5, इसमें से माइनस कर दो क्या न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर कितना है 1, ये बन जाएगा 1/4 कॉस्ट। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। अगर सेलिंग प्राइस का 1/5 निकालेंगे तो वही सेम आंसर आएगा, आंसर डिफर नहीं होगा। आंसर चाहे आप 1/4 कॉस्ट निकाल लीजिए, चाहे 1/5 ऑफ इनवॉइस निकाल लीजिए, आंसर एकदम सेम आएगा। मैं फिर चेंज करता हूं, सपोज मेरा प्रॉफिट होता 1/4 इनवॉइस प्राइस और मैं यदि आपसे जानना चाहता कि अगर मैं इसे कॉस्ट पर कन्वर्ट करूं तो वो कितना हो जाएगा, तो आंसर होगा कि जब भी इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट पर जाते हैं तो डिनोमिनेटर में से न्यूमिरेटर डिडक्ट कर देना है, दिस विल बिकम 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब आप कह रहे हैं कि सर क्या हमारा आंसर सेम आएगा, मैं कह रहा हूं हां हमारा आंसर सेम आएगा। अभी मेरे पास फिगर नहीं है, मैं फिगर डालूंगा तो ये प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। पहले हम अपने गिवन एग्जांपल पर आते हैं, 2/5 सेलिंग प्राइस कन्वर्ट कीजिए कॉस्ट पर, सर 5 में से 2 डिडक्ट करने पर ये हो जाएगा 2/3 कॉस्ट, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि क्या मेरा आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, आप रेडी हैं? हां जी सर। अच्छा, सेलिंग प्राइस ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, गिवन थी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन थी, ये गिवन थी 4,20,000। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर कलर बहुत ज्यादा लाइट हो रहा है, ठीक है बेटे मैं कलर को चेंज कर देता हूं, आई विल चेंज इट टू ग्रीन, 4,20,000 ये गिवन था, इनटू 2/3, 4,20,000 इंटू 2/3, दिस अमाउंट टू 2,80,000। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये तो कॉस्ट प्राइस था, ये जो निकल के आया ये क्या निकल के आया, ये प्रॉफिट निकल कर आया। क्वेश्चन में गिवन था 2/5, मैंने कन्वर्ट किया 2/3, इसे कन्वर्ट किया और मैंने ऊपर सब में बताया है कि इससे प्रॉफिट सेम आता है और कन्वर्ट करके मैंने प्रॉफिट निकाल लिया 280, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना हो गया, दिस विल अमाउंट टू 7,00,000। अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ा तो मैंने कहा चेक कीजिए, ये हो गया 7,00,000 इंटू 2/5, आंसर आ गया 280। अगर मैं 7,00,000 सेलिंग प्राइस का 2/5 कर दूं या मैं कॉस्ट प्राइस का 2/3 कर दूं, इन दोनों ही केस में मेरा आंसर सेम ही आया और मैंने सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई 4,20,000। अब स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर हम इस क्वेश्चन को एक्स मान के भी कर सकते थे। मैंने कहा अगर एक बार लर्निंग करने से, थोड़ी सी परेशानी झेलने से आपको फ्यूचर में
शॉर्टकट मिल जाए, आपकी लेबर फ्यूचर में सेव हो जाए, देन यू नीड टू लर्न दैट। आप एक्स मान के कर सकते थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट हम बहुत सारे प्लेसेस में ये कैलकुलेशन करेंगे और जब भी हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक्स मानने से टाइम ज्यादा लगाना होगा, और अगर हमारे मेथड से काम करेंगे तो काम फास्टली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपसे और कुछ एग्जांपल पूछना चाहता हूं अभी। सपोज माय प्रॉफिट जो गिवन है दैट विल बी 4/9 इनवॉइस प्राइस। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 4/9 इनवॉइस प्राइस, अब आपको एक्स नहीं अज्यूम करना, आपको लग रहा है कि सर एक्स का मेथड हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा इजी लगता है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम दीजिए, टाइम देने के बाद ये भी आपको इजी लगने लगेगा। तो 4/9 मीन्स 9 में से 4 माइनस कर दीजिए, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 4/5 कॉस्ट। इट इज सो सिंपल। बताएं क्या यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई? हाँ जी सर, बातें क्लियर हो गई। नाउ रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट को हम नेक्स्ट पेज के ऊपर नोट कर लेते हैं, लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, समटाइम्स वी नीड टू चेंज आवर प्रॉफिट इक्वेशन। कभी कभी आपको अपनी प्रॉफिट इक्वेशन को चेंज करने की जरूरत महसूस होगी, तो सर ऐसे में क्या करना होगा? पॉइंट नंबर वन, इफ इक्वेशन इज गिवन बेस्ड ऑन कॉस्ट, अगर इक्वेशन आपको गिवन हो बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो मैं ऐसे लिखता हूं a/b कॉस्ट। आप पहले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, 40% लिखा हो तो कन्वर्ट कैसे करना है। जब आप इसे इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको b में से a लेस कर देना है, ठीक है ना। b इज डिनोमिनेटर, a इज न्यूमिरेटर, प्लस कर देना है। सॉरी, अगर हम कॉस्ट से इनवॉइस पे अपनी इक्वेशन चेंज करना चाहते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी a/b+a इनवॉइस प्राइस। एग्जांपल बहुत सिंपल, अभी हम इसको बहुत बार यूज करेंगे। एग्जांपल लीजिए, 1/3 कॉस्ट इज इक्वल टू, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 1/4 आईपी। 2/5 कॉस्ट अगर प्रॉफिट हो तो हमेशा वो 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस करने से भी सेम ही आएगा। अगर प्रॉफिट 4/9 कॉस्ट हो तो वो चेंज करने से 4/13 हो जाएगा इनवॉइस प्राइस। मैं जानकर सिंपल एग्जांपल नहीं ले रहा, ऑल्दो मोस्ट एग्जांपल्स के अंदर 1/2, 1/3 ऐसे लग जाता है, बट स्टिल मैंने कुछ और आगे की कैलकुलेशन भी आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट।
सेकंड रूल, इफ इक्वेशन इज गिवन ऑन इनवॉइस प्राइस एंड वी नीड टू चेंज इट टू कॉस्ट प्राइस। अगर इक्वेशन हमें इनवॉइस प्राइस पर गिवन है और हम अगर उसे कॉस्ट पर चेंज करना चाहते हैं तो रूल रिवर्स हो जाएगा। इनवॉइस प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करना क्या है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा देना है। दैट मींस अगर ये ए अपॉन बी आई पी है तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस ए कॉस्ट। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे जिस पर मैंने इतनी लंबी चौड़ी आपके साथ डिस्कशन की है, वहां पर लिखा था 2/5 आईपी। बताएं बेटे ये कन्वर्ट होके कितने पर आ गया, 5 में से 2 माइनस कर देना है, दिस विल बिकम 2/3 कॉस्ट। ठीक है, नाउ समरी कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। समरी ये है कि कॉस्ट से आईपी पर जाना हो तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देना, आईपी से कॉस्ट पर आना हो तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर देना। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन यूज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो बिलीव मी कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया, देयर इज नो वे आउट, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन में अगर 40% दिया हो तो उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बेटे परसेंटेज रिमूव करने के लिए आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है और जब आप इसे हटाते हैं देन दिस विल बिकम 4/10 और इसे आप सॉल्व करते हैं दिस विल बिकम 2/5। अच्छा जी, मुझे अभी एक छोटी सी चीज और बतानी होगी। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया है? हां जी, एक छोटी सी चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको नहीं होती तो बहुत ही अच्छा है और अगर आपको होती है तो मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन कहता है 33 1/3%, दिस विल बी इक्वल टू 1/3। अब नाउ क्वेश्चन ये कहता है, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये 1/3 कैसे हो गया। सुनिए बेटे, 33 1/3 को पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, 33 1/3 होता है 33 × 3 + 1, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस + 1/3%। सबसे पहले 33 1/3 को सिंप्लीफाइड किया जाता है ऐसे, तो ये बन जाता है 100/3%। और परसेंट रिमूव करने के लिए ये हो जाएगा 100/3, इसकी जगह पर आ जाएगा 1/100। और जब 100 और 100 एक दूसरे से कट जाते हैं तो आ जाता है 1/3। इसका मतलब अगर 33 1/3% दिया हो, कॉस्ट पर दिया हो, तो दैट मींस 1/3 ऑफ कॉस्ट।
और अगर ये 33 वन बाय थ्री इनवॉइस प्राइस पे दिया है, इट मींस वन थर्ड ऑफ इनवॉइस प्राइस, ठीक हो गया। हमने जे आर मोंगा सर के चार पॉइंट कर लिए थे, अब बेटे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पांचवा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट बेटे सुनिएगा, टेक्निकल पॉइंट है। यहां लिखा है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच रूपी 3,60,000। गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड एट 20% अबव कॉस्ट। गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड एट 20% अबव कॉस्ट। नाउ मैं आपको बता दूं, एट कॉस्ट टू ब्रांच, नोट, एट कॉस्ट टू ब्रांच मींस इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट का मतलब हमेशा कॉस्ट नहीं होता, मैं आपको समझाता हूं, पहले ये समझाऊंगा तब आपको आगे समझ में आएगा। एक सेलर है, एक बायर है, सेलर 100 रुपीज की चीज कॉस्ट पे खरीद के लाता है, 50 रुपीज का प्रॉफिट लेता है और 150 पर सेल कर देता है टू बायर। बताएं बेटे बायर की कॉस्ट क्या? आंसर इज 150। यहां पर लिखा है कॉस्ट टू बायर, एड कॉस्ट टू बायर मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ सेलर। उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, हेड ऑफिस के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिए हैं इनवॉइस प्राइस पे, तो ब्रांच की कॉस्ट हेड ऑफिस की क्या होगी? इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब ये इनवॉइस प्राइस होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इनवॉइस प्राइस गिवन है 3,60,000, कॉस्ट मुझे गिवन नहीं है और प्रॉफिट मुझे गिवन नहीं है। मुझे तो कैलकुलेट क्या करना होता है? प्रॉफिट। इन सारे क्वेश्चंस के पीछे मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो लोडिंग कैलकुलेशन का होगा। अब देखिए, प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो ऊपर लिखा है 20% अबव कॉस्ट। मैंने बताया था कि अबव कॉस्ट का मतलब होता है प्लस कॉस्ट या ऑफ कॉस्ट, जैसे भी आप समझते हो। इसका मतलब 20% मींस 20/100 और 20/100 का मतलब हो गया 1/5 कॉस्ट। अब बताएं बेटे ये दोनों प्राइस क्या हैं? डिफरेंट हैं। इसीलिए मुझे इस क्वेश्चन में इसे चेंज करना होगा, अपने प्रॉफिट की इक्वेशन को मुझे चेंज करना होगा। और याद कीजिए रूल, अगर हम कॉस्ट से इनवॉइस पर जाते हैं तो हमें जोड़ देना होता है। आइए इसे चेंज करें। प्रॉफिट इज गिवन एज 1/5 ऑफ कॉस्ट, सो इट विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस अब आपको मालूम है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए विद 3,60,000। नाउ यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ 60,000। दैट मीन्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में हो जाएगी 3,00,000। इनवॉइस प्राइस में से मैंने प्रॉफिट को लेस किया, मेरी कॉस्ट आ गई। और अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करने चाहें
तो ये आपकी विश है, मल्टीप्लाइड बाय 1/5 कीजिए, यू विल गेट सेम आंसर। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगर यहां तक की बात आप सबको क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। जे आर मोंगा सर ने तो कमाल कर दिया, एक के बाद एक एक अगले पॉइंट में एक एक नया पॉइंट जोड़ते हुए जा रहे हैं और मैं सिखाता भी चले जा रहा हूं। अगर मेरी नॉर्मल क्लास चल रही होती फेस टू फेस तो शायद मैं अवॉइड कर देता, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, अब 5 पॉइंट तक तो आपको समझा दिया है तो एक लास्ट पॉइंट पर क्यों रुका जाए, वो भी आपको समझा दिया जाए, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? मेरे साथ साथ सभी बच्चे नया पेज लेंगे और नोट करना शुरू कर देंगे। हेड ऑफिस, सेंट गुड्स टू ब्रांच। ठीक है? जो हेड ऑफिस सेंड करेगा वो ब्रांच रिसीव करेगा, ऐसा हमेशा होता है, बट इन सम केसेस कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल, हेड ऑफिस ने 30th मार्च को दिल्ली से गुड्स भेजे, ठीक है, हमने नॉर्थ इंडिया से गुड्स भेजने हैं 30th मार्च को, मैंने गुड्स भेजा मुंबई, ठीक है ना, मैंने कहा बच्चे गाना गाना शुरू कर देंगे अगर मैं यहां लेता हूं कन्याकुमारी, अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं नॉर्थ साउथ चेन्नई एक्सप्रेस, नॉर्थ से गुड भेजे गए साउथ में और हेड ऑफिस ने गुड सेंड किए 30th मार्च को, अब बेटे ऑब्वियसली यहां से यहां तक गुड्स पहुंचने में लेट अस सपोज 5 डेज का पीरियड लगता है, बीच में आ जाएगी 31st ऑफ मार्च, जिस दिन रिपोर्ट करेंगे ब्रांच हेड ऑफिस को, तो ये जो गुड्स हेड ऑफिस ने सेंड किए थे 30th मार्च को, ये 31st ऑफ मार्च को अभी रास्ते में है, इसे बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। ये ट्रांजिट में है कब? 31st ऑफ मार्च। अब ब्रांच जब रिपोर्ट करेगी तो वो कहेगी कि मुझे ये गुड्स मिले ही नहीं है, ठीक है, तो ये कहेगी रिसीव्ड और ये कहेगी सेंट। अगर मैं पूरे साल की इसकी रिपोर्ट चेक करूं तो ये कहेंगे वी हैव सेंट यू गुड्स थ्रू आउट द ईयर ₹5 लाख, ये कहेंगे हमें मिली है थ्रू आउट द ईयर ₹4,60,000। क्यों? क्योंकि ये 40,000 के गुड्स थे जो 31st मार्च को ट्रांजिट में और यहां पर रिसीव्ड नहीं हुए, दैट मीन्स गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस विल ऑलवेज इक्वल टू गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच प्लस गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है? नाउ पॉइंट नंबर 6 इज गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 1,20,000, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 1,20,000, गुड्स इन ट्रांजिट ₹20,000, तो गुड्स सेंट बताएं कितना होगा? 1,40,000। अच्छा बेटे, होता क्या है कई बार
हम कंसेप्ट से उम्मीद करते हैं कि वो सिंप्लीफाइड हो जाएं, और कई बार हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी पेशेंस रख लेते हैं, हम थोड़ी सी लर्निंग को आगे बढ़ा देते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा बेटे, हमने स्टार्ट किया था ये सिखाना कि लोडिंग कैसे निकालते हैं। अब लोडिंग का कंसेप्ट तो बेटे पॉइंट नंबर 4 पर जाके ओवर हो गया था। मैंने आपको समझा दिया था अगर कॉस से इनवॉइस पर जाना हो तो डिनोमिनेटर में प्लस कर लेना, और अगर सेल से कॉस्ट पर आना हो तो माइनस कर देना। हमारा ऑब्जेक्टिव तो बेटे वहीं पर कंप्लीट हो गया था, लेकिन पॉइंट नंबर 5 और 6 कुछ नई बातें डील कर रहे थे जो कि मैं अभी बताना नहीं चाहता था, बट मैंने कहा इसे इनकम्प्लीट छोड़ना अब ठीक नहीं है। अगर हम बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से चलते रहते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, पॉइंट नंबर 5 और 6 की वजह से कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट दैट डजंट मीन कि इसको यहीं छोड़ दिया जाए, हम इसे कंप्लीट करेंगे। पॉइंट नंबर 5 में मैंने इतनी सी बात समझाई थी कि कॉस्ट टू ब्रांच का मतलब होता है इनवॉइस प्राइस टू हेड ऑफिस, और पॉइंट नंबर 6 में मैंने ये बताया है कि गुड्स सेंट इज इक्वल टू गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच प्लस गुड्स इन ट्रांजिट। आप समराइज करेंगे तो इट इज अ वेरी स्मॉल इशू, मुझे आगे भी बताना था तो मैंने थोड़ा सा पार्ट अभी बता दिया। अब गुड्स सेंट है कितना, 140, ये कौन सी वैल्यू पर होगा, इनवॉइस प्राइस पर। नाउ अब कंसेप्ट लगाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट इज कॉस्ट प्लस 40%। मैंने कहा अच्छा पहले इसे डिफाइन कीजिए, 40% को कन्वर्ट करने से आता है 40/100, और इसे कन्वर्ट कर देने से आता है 2/5 कॉस्ट, और इसे अगर मैं आईपी पर कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि मुझे प्राइस जो गिवन है वो आईपी वाला गिवन है, कन्वर्ट करता हूं तो ये आ जाएगा 2/5 + 2 = 7। अब बताइए लोडिंग कितनी हो गई, 2/7 of 140, क्योंकि गिवन प्राइस क्या था, आईपी, इसलिए प्रॉफिट इक्वेशन को कन्वर्ट करके लगाया है। अगर ये आईपी पर है तो इक्वेशन भी आईपी की लगेगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40,000, दैट्स इट, फिनिश्ड। हमने अकाउंटिंग पार्ट को कंप्लीट नहीं किया इनवॉइस प्राइस के, हमने तो कौन से कैलकुलेशन को कवर किया कि आईपी को कैसे निकाला जाता है, ठीक हो गया बेटे। अच्छा यहां पर आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे और जो भी हमने सीखा है वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, अकाउंटिंग का पार्ट तो अब स्टार्ट होगा, ठीक है। आइए बेटे क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अकाउंटिंग के पार्ट के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने अभी तक अकाउंटिंग कॉस्ट की सीखी हुई है, अब हम उसे आगे ले जा करके इनवॉइस प्राइस पर सीखना चाहते हैं। बिना मैथमेटिक्स कंप्लीट किए हुए आपको अकाउंटिंग का पार्ट समझ में नहीं आ सकता था, ठीक हो गया। अब आइए मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे कि अकाउंटिंग पार्ट में इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। अच्छा जी, हां जी बच्चों शुरू करें। फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस।
अगर ब्रांच रिसीवर हो तो डेबिट, अगर ब्रांच गिवर हो तो क्रेडिट। अब मैं ये लास्ट बार बात आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर मैं ये लिखना बंद कर दूंगा। सबसे पहले सर यहां आता था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक, अब स्टॉक आएगा आईपी पर, डेटर्स फर्नीचर पेटी कैश अदर एसेट्स। इसके बाद बेटे हम ब्रांच में फटाफट तेजी से चलेंगे क्योंकि यहां तक का कंसेप्ट ही आपको सिखाना था। अच्छा जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री एसेट्स, जितने भी ब्रांच के पास एसेट्स हो और मोस्टली यही होते हैं, और यहां आएगा ओपनिंग बैलेंस। ये कौन सा ओपनिंग बैलेंस है? ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है। यहां आता था टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। बेटे अगर मैं स्पेसिंग छोड़ता हुआ चल रहा हूं तो आप लोग भी स्पेसिंग को छोड़ते हुए ही चलेंगे, हम हो सकता है इनके बीच में कुछ फिगर्स फिल करना शुरू कर दें बाद में, अभी नहीं। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिए, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश दिया, कुछ तो कैश एक्सपेंसेस के लिए दिया और कुछ एक्स्ट्रा कैश रखने के लिए दिया, ये हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ब्रांच कैश रेमिट करती थी टू हेड ऑफिस, और ये कैश ब्रांच के पास कहां से आता था? ये आता था सर कैश सेल से, और ये आता था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी तो हम बाद में बता देंगे, ठीक है। फिर मैंने स्पेस छोड़ दिया सर। कई बार होता था गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स, अगर गुड्स आएंगे आईपी पर तो रिटर्न भी किस पर होंगे? आईपी पर। और यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री एसेट्स, वही जो ओपनिंग एसेट्स थे वो क्लोजिंग में भी आएंगे, स्टॉक आईपी पर, स्टॉक के बाद आएगा डेटर्स, डेटर्स के बाद आएगा फर्नीचर, और फर्नीचर आता था आफ्टर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर के बाद पेटी कैश का रिमेनिंग बैलेंस, और अगर क्वेश्चन में कोई और एसेट हुआ तो वो भी आएगा, इन सब का टोटल आउटर कॉलम में। यहां पर आ जाता था टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज इफ एनी। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस सी एल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब यहां पर देखिए, अगर हम कॉस्ट वाले फॉर्मेट के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो बेटे ये वही फॉर्मेट है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ये वही फॉर्मेट है। अब मैं बताता हूं आपको चेंज कहां हुआ। चेंज हुआ बेटे यहां, ये किस पर आ गया? आईपी पर। पहले किस पर था? कॉस्ट पर। दैट मीन्स इसमें जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड हुआ है उसे हम बोलते हैं लोडिंग, ठीक है। यहां पर भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड हुआ है, आईपी पर आ गया।
यहां पर भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड हुआ है आईपी पर और यहां पर भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड हुआ है आईपी पर, ठीक है। नोट, वेयर एवर इनवॉइस प्राइस इज गिवन, जहां पर भी इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, कैलकुलेट निकालिए लोडिंग। लोडिंग क्या है? वही अनअर्न्ड प्रॉफिट, वो निकालिए। एंड शो इट ऑन द ऑपोजिट साइड, जहां पर भी इनवॉइस प्राइस लिखा है उसे, उसमें लोडिंग निकालिए, ठीक है। जहां पर भी इनवॉइस प्राइस लिखा है वहां पर लोडिंग कैलकुलेट कीजिए और ऑपोजिट साइड पर शो कर दीजिए। मेरे पास स्टॉक था, ओपनिंग भी था और क्लोजिंग भी था, ये दोनों आईपी पर हैं, तो इनकी लोडिंग ऑपोजिट साइड के ऊपर दिखा दो और इसके लिए हेडिंग यूज होगी स्टॉक रिजर्व और गुड्स जो सेंट है और रिटर्न्स, दोनों जो गुड्स हैं उनकी भी लोडिंग ऑपोजिट साइड पर आएंगी लेकिन उनकी लोडिंग गुड्स सेंट के नाम से ही आएंगी। अच्छा जी, अब आइए बेटे हम देखते हैं कहां कहां पर लोडिंग्स हैं। मेरे पास लोडिंग है ओपनिंग स्टॉक की, तो मैंने कहा जहां पर भी लोडिंग्स हैं ये इनवॉइस प्राइस की लोडिंग ऑपोजिट साइड पर, मतलब ये स्टॉक डेबिट में है तो ऑपोजिट साइड क्या होगी? क्रेडिट साइड। यहां पर दिखाएंगे, नीचे से नोट पढ़ के चेक कर लीजिए, स्टॉक की लोडिंग सामने आएगी बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व। लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, सिमिलरली ओपनिंग आईपी की लोडिंग ऑपोजिट साइड पर दिखा दीजिए, हेडिंग यूज कीजिए स्टॉक रिजर्व। सिमिलरली इस क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को भी ऑपोजिट साइड पर दिखा दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को ऑपोजिट साइड पर दिखाइए। यहां लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब जब आप इसकी लोडिंग निकालेंगे तो वो कैलकुलेशन जो मैंने आपको सिखाई थी वो यहां पर आपके काम आने वाली है, ठीक। नेक्स्ट, यहां लिखेंगे जहां गुड सेंट टू ब्रांच है ये आईपी पर है तो इसके ऑपोजिट साइड पर लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग। ये कौन सी लोडिंग है? ये गुड्स सेंट की लोडिंग है। अब यही ब्रांच की प्रॉब्लम है, एक ही अकाउंट में इतनी इंफॉर्मेशन आती है, इसीलिए बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है कि सर कितनी खिचड़ी पक जाती है एक ही खाते में। अब एक अकाउंट बने तो भी प्रॉब्लम, और जब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड आएगा तो यही इंफॉर्मेशन पांच छह अकाउंट के अंदर चली जाएगी, तब भी प्रॉब्लम के सर क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, इस मेथड में भी प्रॉब्लम, अगले मेथड में भी प्रॉब्लम। खैर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जब समझ में आने लग जाएगा तो इजी भी लगने लग जाएगा। तो टू, अब ये गुड सेंट इसकी लोडिंग है तो सामने गुड सेंट के नाम से ही आएगी, टू गुड सेंट टू ब्रांच लोडिंग, और ये लोडिंग किसकी है? रिटर्न्स की लोडिंग है। हाँ जी, हमारे पास ब्रांच एक हैवी चैप्टर होता है
और इतना भी हैवी नहीं होता बेटे कि हमें समझ में ना आए, ठीक है। बल्कि हम तो कहते हैं इट इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने मेरे साथ आज ये सीखा कि इनवॉइस प्राइस किसे कहते हैं, इनवॉइस प्राइस में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इनवॉइस प्राइस की वजह से हमारे फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब बहुत सारी लर्निंग हो गई है, अब समय आ जाता है इसे प्रैक्टिस करने का, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, और हो सकता है आप थक गए होंगे। अब क्या है, जो प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, सीएसीएस जो करते हैं, सीडब्ल्यू करते हैं, वो तो हैबिचुअल होते हैं कि सर कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट 3 आवर्स समय पढ़ाइए। और हमारी क्लास में होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम हम आउटपुट देते हैं, यानी कि अगर 3 घंटे की हमारी क्लास है तो उसमें लर्निंग का एलिमेंट 2.5 आवर्स या उससे ज्यादा होगा। मतलब हम अपनी क्लास के अंदर इधर उधर की बातें नहीं करते, तो थोड़ा स्टूडेंट कहता है कि हम लोग ज्यादा थक जाते हैं, ठीक है। तो आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो ज्यादा लंबी सिटिंग करने के हैबिचुअल नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है बेटे कि मैं आपको छोड़ देने वाला हूं, मेरी ड्यूटी बनती है बेटे कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं। प्रैक्टिस करेंगे तो ही तो क्वेश्चन बनेंगे। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर कहां से आप प्रैक्टिस करवाएंगे, मैंने कहा ठीक है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, असाइनमेंट वाली बुकलेट से भी कर सकते हैं, और मैं देख लेता हूं कि अगर असाइनमेंट वाली बुकलेट में अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो वहां से करवा देता हूं, और अगर आपको हां जी क्वेश्चन तो एक मिला है, दो, हां जी बेटे 2 क्वेश्चंस मुझे मिले हैं आपकी मेन वाली वॉल्यूम जो है उसमें से, और एक क्वेश्चन मुझे मिल रहा है आपकी असाइनमेंट वाली बुकलेट में, अच्छा जी एक काम करते हैं बेटे, पहले हम अपनी जो मेन वाली बुक है ना, ये वे असाइनमेंट बुकलेट नहीं है, ये आपकी मेन वाली बुकलेट है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। असाइनमेंट ये मेन बुकलेट है आपकी, असाइनमेंट वाली बुकलेट नहीं है, दिस इज मेन बुकलेट वॉल्यूम नंबर 1, ठीक है, इस वाली वॉल्यूम को मैंने लिया है, पेज नंबर है 15.38। असाइनमेंट बुकलेट पेज नंबर 15.38। आज थोड़ा सा फोकस करना होगा, इसमें कुछ क्लैरिटी की कमी है। हां जी मेरे पास अब क्लैरिटी आ गई है, मॉडर्न शू स्टोर हैड एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड ब्रांच एट चंडीगढ़, गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, हेड ऑफिस है मॉडर्न शू स्टोर, ब्रांच चंडीगढ़ में है, गुड्स इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अच्छा, ब्रांच हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस, ये बात आपको लगभग हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई मिलती है। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस विच आर मेट बाय ब्रांच मैनेजर, सभी खर्चे कौन देगा, हेड ऑफिस, एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस विच आर मेट बाय ब्रांच मैनेजर।
अगर आपको लर्निंग के कंसेप्ट याद होंगे तो बेटे इसका इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए डेटर्स मेथड में फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ब्रांच अकाउंट एज इट वुड अपियर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हमें स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस डेटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस और गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स भी दिया है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स दिया है। मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में मेक इट अ हैबिट कि आप डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे। कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, डिस्काउंट अलाउड भी गिवन है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस भी गिवन है, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर 280 एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, रेंट आउटस्टैंडिंग इज लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक गिवन है, बाकी किसी भी एसेट का बैलेंस गिवन नहीं है। ठीक, अगर यहां तक पोजीशन क्लियर है तो हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब बेटे आप लोग अपनी अपनी बुक से चेक करना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन को, मैंने आपको रीड करवा दिया। हाँ जी, हम लोग नए पेज नंबर पर जा रहे हैं और मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स अब बनाना शुरू करेंगे अकाउंट, ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। बेटे मेरे को कुछ शीट्स की जरूरत पड़ गई है, इसीलिए अब क्वेश्चन अकाउंटिंग के लेंथी इतने ज्यादा हो जाते हैं समटाइम्स कि हमें बहुत सारी शीट्स की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है बेटे, हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ बनाएंगे क्वेश्चन। ये कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन 18, दिस इज 18, ठीक है। पेज 15.38, इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न शू स्टोर। चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट for the year ending 31st of December 2006. ब्रांच अकाउंट बनेगा और ब्रांच अकाउंट के साथ में नीचे मैं बनाऊंगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और मैं बार बार कहता हूं कि बेटे ये तो आप हैबिट बना लीजिए कि ये बनाना ही बनाना है। अभी हम डेटर्स मेथड पर एक क्लास और भी लगाएंगे, ठीक है, और उसमें मैं आपको और अकाउंट बनाने भी सिखाऊंगा।
इस क्वेश्चन में हम ब्रांच का पेटी कैश भी बनाएंगे। अब डेटर्स मेथड के अंदर बेटे स्पेस मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि एक ही अकाउंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दिखानी होती है। हाँ जी, शुरू करें। मॉडर्न शू स्टोर हैड ओल्ड एस्टेब्लिश ब्रांच एट चंडीगढ़। ओल्ड ब्रांच का मतलब है कि इसके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब मैं आज छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि इसमें स्पेस की दिक्कत ना हो जाए। स्टॉक, डेटर्स, कैश, फर्नीचर, स्टॉक 15,000, डेटर्स 9,000, कैश 400, फर्नीचर 1200, आउटर कॉलम में आ गया 600, 25,600। अब ये जो डेटर्स है, इस डेटर्स का बैलेंस बेटे नीचे आप ब्रांच डेटर्स में ले आइए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। ये बताइए बेटे कि मैं लोडिंग भी साथ साथ कर दूं, इस स्टॉक की लोडिंग भी साथ साथ कर दूं, ये आईपी पर है। हां जी सर, लोडिंग भी कर दीजिए। बाय स्टॉक रिजर्व, अब बेटे स्टॉक कितना है 15,000, ये आईपी पर है तो इसकी लोडिंग आईपी के अकॉर्डिंग होगी, और वहां लिखा है 20% प्रॉफिट ऑन सेल। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5, सेल का मतलब आईपी, तो मतलब इसमें इक्वेशन को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 15,000 का 1/5 कितना, अमाउंटिंग टू 3,000, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट गिवन है गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस 80,000। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कौन सा प्राइस गिवन है, इनवाइस प्राइस गिवन है, अमाउंटिंग टू 80,000। इसकी लोडिंग ऑपोजिट साइड पर दिखाएंगे, बताएं किस नाम से दिखाएंगे। सर इसकी लोडिंग आएगी सामने इसी के नाम से, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोडिंग। और ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आपके लिए मैं लिख रहा हूं 1/5, एग्जाम में आप सीधा करके दिखा देंगे। दिस विल अमाउंट टू 16,000, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 1,000, यहां लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये इनवॉइस प्राइस पे है और ये रिटर्न्स है, अमाउंट इज 1,000। इसकी भी लोडिंग ऑपोजिट साइड पर दिखा देते हैं। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोडिंग ऑन रिटर्न्स, वही 1/5, वही 1/5। नेक्स्ट, गुड्स
रिटर्न्ड बाय डेटर्स 480, नीचे डेटर्स अकाउंट में आए, बाय सेल्स रिटर्न 480, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स 480, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 30,000, ऊपर आए बाय कैश रेमिटेड, इसमें आता है कैश सेल्स और इसमें आता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 30, और ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मैं डेटर्स के अकाउंट में भी लिखूंगा बाय कैश 30,000, कैश सेल्स 50,000, कैश सेल्स 50,000, क्रेडिट सेल्स 30,000, कैश सेल्स 50,000 और क्रेडिट सेल्स 30, कलेक्शन हो गई 80 और हमने ये रेमिट भी कर दी टू हेड ऑफिस, ठीक हो गया। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन गिवन है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, हां जी डिस्काउंट अलाउड 300, तो डेटर्स अकाउंट में दिखाएंगे बाय डिस्काउंट 300, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस टू कैश गिवन बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस में क्या है रेंट 1200, सैलरी 2400, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300, 3900, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर, आइए बेटे पेटी कैश का अकाउंट भी बना लें, ठीक है, नीचे हमारे पास बना हुआ था, यहां लिखेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन 400 बाय पेटी एक्सपेंसेस पेड 280, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, रेंट इज आउटस्टैंडिंग 500, तो बेटे रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन गई, टू रेंट आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग लायबिलिटी 500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस गिवन है 14,000, क्या इसकी लोडिंग दिखा दे सामने, टू स्टॉक रिजर्व 14,000 इंटू 1/5, ठीक है 14,000 डिवाइडेड बाय 5 अमाउंटिंग टू 2800, अच्छा जी, और मेरे पास कौन कौन से एसेट्स बिगनिंग में थे, आइए पहले तो हम उन्हें चेक करें, मेरे पास ओपनिंग में डेटर्स था तो क्लोजिंग में मुझे डेटर्स चाहिए, कैश था, फर्नीचर था, फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगना है तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 120 डेप्रिसिएशन 1080, नीचे पेटी कैश का बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 120 400, ये 120 का बैलेंस आ गया, कैश का बैलेंस 120 और डेटर्स के अंदर हमें बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डेटर्स में बैलेंस कितना आता है,
और यहां पर जे आर मोंगा सर ने डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया बट हमें बनाना होगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन बैड डेट्स है नहीं, 39,000 में से लेस कीजिए 30,780, सो 8,220। ये 8,220 यहां पर आएगा। अब इसे आप टोटल कर लीजिए, 14,000 प्लस 8,220 प्लस 120 प्लस 1080, 23,420। क्रेडिट साइड का टोटल चेक कीजिए, 80,000, 17 and 3 20,000, तो दिस विल अमाउंट टू 1,23,420। 123,420 ये लेस करके जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहां दिखाएंगे, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट होगा और ये कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग फिगर। तो माइनस माइनस करना शुरू कीजिए, सबसे पहले 25,600 माइनस 80,200 माइनस 39,500 और माइनस 28,000, प्रॉफिट आता है 10,420। दिस विल बी माई नेट प्रॉफिट। हां जी, ये हमने क्वेश्चन किया, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे कह रहे हैं सर एक और करवा दो, क्वेश्चन नंबर 19। हां जी बेटे आइए, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी हम करवा देते हैं। और जो हमने असाइनमेंट बुक से क्वेश्चन देखा हुआ था वो करवाएं कि 19 करवाएं, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 19 आपको करवा देते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फिर एक क्लास हमारी डेटर्स मेथड पर और लगेगी, तो उसके बाद आप डेटर्स मेथड में परफेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप उस पर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 19। बट इश्यू इज के इलस्ट्रेशन नंबर 19 कॉस्ट प्राइस पर है तो उसमें लोडिंग नहीं होंगी। चलिए कोई इश्यू नहीं है, अगर वो कॉस्ट पर है तो हम कॉस्ट पर बनाएंगे। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स रेडी हो गए, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो रिलेटिंग टू पटना ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2016, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर्स अकाउंट। थैंक यू कहेंगे एग्जामिनर को, वो बता रहा है बेटे कि आपको ब्रांच का डेटर्स अकाउंट भी बनाना है। मुझे ये बताइए कि ये बात लिखी हो या ना लिखी हो, आप ब्रांच का डेटर्स अकाउंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। अच्छा, ओहो इनवॉइस प्राइस है, गुड्स आर इनवॉइस टू गिव प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है बेटे, इसने तो हमारे में एनर्जी डाल दी, मैं चाह रहा था कि मुझे इनवॉइस वाले क्वेश्चंस ही आज मिले, इनवॉइस वाले क्वेश्चंस में ज्यादा प्रैक्टिस होती है, लोडिंग एक्स्ट्रा निकालनी पड़ती है। स्टॉक ऑन 1/4/2015, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग फर्नीचर, पेटी कैश, इंश्योरेंस प्रीपेड, सैलरीज ड्यू,
गुड्स सेंड टू ब्रांच, कैश सेल्स टोटल सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस, कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस रेंट है, सैलरीज हैं, पेटी कैश है और इंश्योरेंस आपने जून तक दे दी है। ईयर कब स्टार्ट हो रहा था बेटे? 1 अप्रैल को। खत्म कब होगा? मार्च में। तो जून तक की एक्स्ट्रा चली गई। ठीक, हमारे पास पेटी कैश एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेप्रिशिएट फर्नीचर दिया हुआ है, मींस डेटर्स का बैलेंस नहीं दिया, पेटी कैश का बैलेंस नहीं दिया, इंश्योरेंस प्रीपेड का बैलेंस नहीं दिया। हाँ जी, अगेन अ वेरी सिंपल एंड प्रोसीजरल क्वेश्चन, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इश्यूज नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी अकाउंट बनाने हैं, पेटी कैश तो हमने अभी भी बनाया था, ठीक है, आइए बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर 15.39। वी नीड टू प्रिपेयर पटना ब्रांच अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2016। जे आर मोंगा सर हमें फ्यूचर में ले गए हैं, अभी चल रहा है 2013, उन्होंने पहले ही बुक को अपडेट कर दिया है कि आगे आने वाले कई ईयर्स तक उन्हें अपडेट ना करना पड़े। हाँ जी, आई सैल्यूट हिम। अकाउंट्स में क्या फर्क पड़ता है बताओ। अच्छा जी, ब्रांच डेटर्स का अकाउंट क्वेश्चन में कहा था और हमने उसके लिए एग्जामिनर को थैंक यू भी कहा था फॉर रिमाइंडिंग कि हमें ब्रांच का डेटर्स अकाउंट भी बनाना है। अच्छा जी, और साथ में आप क्या बनाएंगे? और हम बनाएंगे ब्रांच पेटी कैश। अब मेरा तो मन कर रहा है मैं यहां पे लिख दूं सर टू बैलेंस बीडी आएगा, यहां पर क्रेडिट सेल्स आएगी, यहां पर कैश रिसीव्ड आता है, यहां सेल्स रिटर्न आती हैं, यहां डिस्काउंट आता है, बैड डेब्ट्स आता है और बैलेंस सीडी आता है। पेटी कैश में क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो हेड ऑफिस से कैश मिलेगा वो आएगा, जो पेटी के एक्सपेंसेस आपने खर्च किए होंगे यहां वो आएंगे और यहां आएगा बैलेंस सीडी। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। हां जी सर, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक जो कि आईपी पर दिया हुआ है 5000, डेटर्स 2000 और डेटर्स का बैलेंस मैंने नीचे डेटर्स अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया, फर्नीचर 1000, कैश
ये कौन सा कैश है, पेटी कैश 200, और ये पेटी कैश मैंने नीचे 200 रुपीज ट्रांसफर कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 50 रुपीज, 52718, 8250 बाय स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक था 5000, इसका स्टॉक रिजर्व होगा 1/5, आंसर आएगा 1000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है सैलरीज ड्यू बाय सैलरीज ड्यू, ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग 1000। गुड सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच आईपी पर है 40000, इसकी लोडिंग ऑपोजिट साइड के ऊपर दिखानी पड़ेगी, दिखाएं, सेम नाम से बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग 40000 का 1/5। बस यहीं पर बेटे टाइम सेव होता है, अदरवाइज अगर हम एक्स मान करके चलते तो टाइम ज्यादा लगता। ठीक है, नेक्स्ट कैश सेल्स। बाय कैश रेमिटेड, कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स 55000, टोटल सेल 70000, तो क्रेडिट सेल हो गई 70 टोटल सेल माइनस कैश सेल 55000, तो ये हो गई कितनी 15000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 16000, बेटे कैश रिसीव्ड दिया हुआ है यहां 16 और इसे ऊपर लाएंगे 16, 55 और 16 ये टोटल हो गया 71000, ये मैंने रेमिटेंस में दिखा दिया। अच्छा जी, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच 500, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 500, और इसकी लोडिंग आप अपोजिट साइड के ऊपर डेबिट कर दीजिए इसी नाम से, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स लोडिंग, तो 1/5 हो गया 100, और उसके बाद हमें दिया है गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स 200, तो सेल्स रिटर्न यहां आएगी 200। कैश सेंट टू ब्रांच, तो टू कैश ये सेंट बाय हेड ऑफिस यानी ब्रांच रिसीवर, रेंट 3600, सैलरीज 10200, कैश 600, इंश्योरेंस 400, टोटल कीजिए 6 2 8, 8 14 4 18, 800, 10 3 13 14 800, नीचे कैश में लिखिए 600। पेटी कैश एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय ब्रांच, तो पेटी कैश एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय ब्रांच हो गया 500, 800 में से 500 स्पेंड कर दिए तो बैलेंस बच गया
300. क्लोजिंग स्टॉक 3000. तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बुक में टाइपिंग की वजह से वो ऊपर नीचे दिख रहा है 3000. डेटर्स का बैलेंस अकाउंट बना के मिल जाएगा. फर्नीचर में लिखा था 20% डेप्रिसिएशन, तो ओपनिंग 1000 है तो क्लोजिंग 800. और कैश का बैलेंस हमने नीचे फाइंड कर रखा है 300. प्रीपेड इंश्योरेंस इसको हम अभी फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना. और क्वेश्चन लगभग कंप्लीट, लगभग क्या कंप्लीट हो गया. तो आइए चेक कीजिए, 17000 और माइनस 16200, ये नहीं है ये नहीं है, तो ये हो गया 800. 800 को ऊपर डेटर्स के पास डालिए. हां जी, अब आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस. तो बेटे प्रीपेड इंश्योरेंस आपने दी हुई है अप टू जून, तो काउंट कीजिए. ईयर खत्म हो रहा है मार्च में, आपने दी हुई है अप टू जून, तो अप्रैल में जून 3 मंथ्स का एडवांस है. तो 400 इंश्योरेंस 12 मंथ्स की है जिसमें से 3 मंथ्स का एडवांस है, तो ये आ जाएगा कितना 100. 8, 16, 16 और 4, 2000 और 3, 5000. आइए इसका स्टॉक रिजर्व निकालते हैं. 2 स्टॉक रिजर्व लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक 3000 1/5 600. अब इसको टोटल करना है और टोटल करके प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. हाँ जी, चेक करते हैं क्या क्या हो गया है और क्या क्या रह गया है. सबसे पहले 1 और 1 2000 2 and 8 10000 10 71 81000 81 500 और 5 81 5 और 86500. ठीक है, 86500 में से माइनस करना शुरू करेंगे 8250 40000 और 14900 और 600. मेरे पास प्रॉफिट आता है 22750. तो 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 22750. ठीक है बेटे. हाँ जी, तो आज हमने डेटर्स मेथड के क्वेश्चंस किए हैं. आप इस क्लास को रिवाइज कीजिएगा. और बेटे अभी हम एक क्लास डेटर्स मेथड के ऊपर और लगाएंगे, ठीक है. आई एम नॉट इन अ हरी कि आपको ये मैं जल्दी से कंप्लीट करवा दूं. जितने भी कंसेप्ट थे हमने रिवाइज किए हैं, और अभी तक जितने भी कंसेप्ट हमने किए थे वो हमारी अगली क्लास में हर एक क्वेश्चन में यूज होंगे. तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा. और फिर जाते जाते वही बात, हो सकता है आपने मेरे साथ पढ़ने को एंजॉय किया हो सकता है आपके माइंड में कोई क्वेरीज आई हो, कोई इश्यूज आए हो. अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है जिसका आंसर नहीं हुआ है तो बी लिटिल बिट पेशेंट, अभी एक क्लास और बाकी है, तब तक वो क्लियर हो जाएगी. और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से अपने आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी. स्टिल अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमारे से ब्लिस पॉइंट स्टडीज, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, आप वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. माई सेल्फ गगन कपूर एंड आई एम टेकिंग क्लासेस एट ब्लिस पॉइंट स्टडीज हडसन लेन. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.